लोग अपने सिचुएशन को दोष देते हैं कि हमारे घर पंखा नहीं है, हमारे घर लाइट नहीं है, हमारे घर बैठने की कोई सुविधा नहीं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अच्छा लगा कि टॉपर स्टूडेंट कैसे समय को पहचानते हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे समय को पहचानते हैं। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो मात्र समझता है कि जुलाई से अगर बात करें तो उसके पास मात्र क्या है, डेढ़ सौ। अभी चाहते हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं, मात्र जुलाई से पढ़ के चाहते हैं आपके आपका 95% से ऊपर नंबर आए, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये जो वीडियो आपको टॉपर बना सकता है, आपका भी नाम टॉपर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 में, चूंकि आपको सामने मैं ऐसा तरीका लेके आया हूं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर नंबर पा सकते हैं। और ये तरीका अगर आज से फॉलो कर लेते हैं, जुलाई से फॉलो कर लेते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी क्या कर सकते हैं, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपको काम करना है कि नो योर सिलेबस, जो आपका न्यू सिलेबस, उसको आपको जानना है कि भाई हमारा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं। जब मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मैथ में बहुत सारे एक्सरसाइजों को कम किया गया है, विज्ञान में कुछ चैप्टर को हटा दिया गया, जैसे कक्षा दसवीं का जो चैप्टर आपका आवाज श्रेणी वाला है उसको आपको हटा दिया गया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए भैया 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ना है। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर आपके सिलेबस में आप उसको पढ़ रहे हैं और जो आपके सिलेबस उसको आप नहीं पढ़ रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी विषय चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी विषय जो आप पढ़ते हैं, तो सभी विषयों का क्या कीजिए, न्यू सिलेबस को जरूर ध्यान दीजिए कि पहले वाले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, दूसरे वाले में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सारी चीज आपको देखना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं यूपी बोर्ड का दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी विषयों का सिलेबस आ चुका है, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए और देखिए कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला काम आपको यही करना है कि अपने सिलेबस को पहचानिए और उस नए सिलेबस के अनुसार क्या कीजिए, अपने तैयारी को करिए। उसके बाद मैं बताता हूँ अगला काम क्या करना है। अगला जो आपको काम करना है कि सेट योर गोल, आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। याद रखिए, बिना लक्ष्य के क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए भैया, बोर्ड एग्जाम में आप कितना परसेंट लाना चाहते हैं, 60% लाना चाहते हैं, 70% लाना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, या 95% से ऊपर लाना चाहते हैं। तो आपका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए। आप एक लक्ष्य बनाइए कि भाई हमें क्या करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने टीचर का नाम रोशन करना है, हमें क्या करना है, 95% से ऊपर नंबर लाना, हमें टॉपर बना। तो कुछ ऐसा क्या करिए, गोल बनाएंगे। जब आप गोल बनाएंगे तो आपके अंदर क्या आता है, मोटिवेशन आता है। याद रखिएगा, जब आप गोल बनाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, और आप क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको करना कैसे है, कैसे पढ़ाई करना है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान देना है। तो दूसरा काम यही करना है कि आपको किस तरह का परसेंटेज लाना है, ये सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए। चलिए इसके बाद बताते हैं आपको करना क्या है। तीसरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, आपको समय को पहचानना है कि भाई हमारे पास कितना समय, अगर हम जुलाई से बात करें तो आपको देखना है कि भाई आपके पास कितना समय। यहां पता चलेगा कि टॉपर स्टूडेंट कैसे समय को पहचानते हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे समय को पहचानते हैं। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो मात्र समझता है कि जुलाई से अगर बात करें तो उसके पास मात्र क्या है, जुलाई का समय है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, मतलब दिसंबर तक क्या करता है, पूरा 100% एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। टॉपर के पास जो जनवरी में समय बचता है, फरवरी में समय बचता है, उसमें क्या करता है, रिवीजन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करता है, अनसॉल्व को करता है, ठीक है ना, इसकी पूरा का पूरा रिवीजन करता है। तो आपको भी अगर टॉपर बनना, आपका भी लक्ष्य 95% से ऊपर नंबर पाने का, तो आप जनवरी और फरवरी को बिल्कुल आपको भूल जाना है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, जनवरी जो आपका टाइम, इसमें आपको रिवीजन करना है। आपको मात्र यही मान के चलना है, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो यही मान के चलना है कि भैया हमारे पास मात्र क्या है, दिसंबर तक का टाइम, यानी कितना महीना बचा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का मात्र आपको टाइम समझ के चलना है। और इसी दिसंबर तक आपको क्या करना, पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, जो भी विषय है सबका क्या कीजिए, एक एक पार्ट का आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे ट्यूशन से पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हैं, अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करिए। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो इस पॉइंट को मेरा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। मात्र आपको यही मान के चलना है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, बाकी जो आपका महीना एक बच रहा है इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगला पॉइंट आपको क्या करना है। आप लोग पहचान गए कि भैया आपके पास क्या है, 6 महीने का मात्र समय है, यानी दिसंबर
नंबर तब का आपके पास समय है। अब इसी समय अवधि में आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। भैया अगर हमारे पास 6 महीने का टाइम है, हमने कितना चैप्टर किस विषय में पढ़ा है, तो आप क्या कीजिए अपने सब्जेक्ट को बांटिए इस 6 महीने में कि हम किस महीने में कितना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कितना हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना रिविजन कर लेंगे, सारी चीजें क्या करना है आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को बांटना है, अपने टाइम को बांटना है और उसी के अनुसार क्या करना आपको तैयारी करना। आप देखिएगा आप अपने आप को जानते हैं कि आपके पास कितना समय है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आपसे बढ़िया कोई टाइम टेबल नहीं बता सकता है। याद रखिएगा अगर हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार होगा, लेकिन वास्तव में मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप किस विषय में कमजोर हैं। मैं अपने अनुसार आपको टाइम टेबल नहीं बनाता हूं, आप लोग क्या कीजिए अपने अनुसार अपने समय के अनुसार टाइम टेबल को बनाना है। फिलहाल मैंने आपको समय बता दिया कि आपके पास 6 महीने का समय है और अपने आप को आप पहचानिए और देखिए किस विषय में आपको कितना समय देना पड़ेगा। हिंदी को कितना समय दें, अंग्रेजी को कितना समय दें, गणित को कितना समय दें, कला को कितना समय दें, यहाँ पे सभी विषयों को आपको लेके चलना है। ये नहीं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, गणित पढ़ रहे, विज्ञान नहीं पढ़ रहे, आप सभी विषयों को क्या करना आपको समय देना। एक विषय से क्या कर सकते हैं आप पास नहीं कर सकते, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं 95% से ऊपर नंबर लाना तो एक टाइम टेबल बनाइए और सभी विषयों को क्या करना आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर एक बढ़िया टाइम टेबल बना दीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा कि कब कौन सा विषय पढ़े, दोपहर में क्या पढ़े, शाम को क्या पढ़े, सुबह क्या पढ़े, कैसे हम लिखें, कैसे तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो एक अलग वीडियो में क्या करूंगा टाइम टेबल को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट से पढ़ के कोई उसके बारे में नहीं बता सकता, उसके टाइम टेबल को नहीं बता सकता है, लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको क्या करूंगा एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टाइम टेबल जरूर बनाइए। चलिए आपको बताते हैं अगला पॉइंट क्या याद रखना है। अगला जो आपको काम करना है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा आपको दूरी बनाकर रहना। ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यही हमारा क्या हो गया हैबिट बन गया है। बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगा तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए इससे दूरी बनाइए, अपने पढ़ाई पे थोड़ा अधिक समय दीजिए, इन सब पे कम समय दीजिए। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक में क्या होता है रील्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग एक रील्स देखते हैं और वहां पे उनको मजा आता है तो क्या करते हैं और भी रील्स देखने लगते हैं, तो आपको यहां से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना के रखना। इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, व्हाट्सएप हुआ, बिना मतलब का क्या करना आपको चीजों को नहीं फॉलो करना है। आपके पास मात्र 6 महीने का टाइम है तो आपको अपने आप को क्या करना है 6 महीने में ही निखारना है, ठीक है ना, और कोशिश करना है कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है दिसंबर तक खत्म हो जाए। तो इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप लोग दूरी बना के रखिए, इस पे कम समय दीजिए, अधिक से अधिक समय आपने क्या कीजिए स्टडी पे दीजिए ताकि आपका बेहतरीन नंबर आ सके। चलिए अब लास्ट में जो मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वो पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं जिनको आपको फॉलो करना है। ये महत्वपूर्ण बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यहां काम करना है कि अपने हैंडराइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हैंडराइटिंग का क्या होता है बहुत बड़ा योगदान होता है, यही क्या करता है आपको परसेंटेज बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, अगर वहां पे क्या करते हैं आप अच्छे से नहीं लिखते तो वहां पे नंबर कटने का चांस होता है, लेकिन आप थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हैं, थोड़ा सा किसी प्रश्न में गलती भी हो जाता है, अगर आपका हैंडराइटिंग बढ़िया रहता है तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो याद रखिएगा हैंडराइटिंग का बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो हैंडराइटिंग को अभी से आप सुधार करें। अभी आपके पास 6 से 7 महीने का समय है, आप लोग जो भी लिख रहे हैं उसको बढ़िया से लिखने की कोशिश की। कभी आप ये मत समझे कि हम रफ कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्टूडेंट भूल करता है। तो क्या करता है रफ लिखता है तो सोचता है मैं रफ लिख रहा हूं, तो वो क्या करता है अच्छे से नहीं लिखता है। लेकिन आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं फेयर कर रहा हूं, मैं पेपर दे रहा हूं, बढ़िया से आपको लिखना है। दूसरा आपको काम करना है कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों और सूत्रों का एक नोट जरूर बनाना चाहिए। याद रखिएगा आपको जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हैं चाहे आपका साइंस हो हिंदी हो, उसमें एक नोट बनाइए। जो भी आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र आ रहे हैं, उनका एक नोट बनाइए, वो बोर्ड एग्जाम के समय आपको काम आता है। यही क्या होता है जनवरी के समय आपको काम आता है, जब आप रिवीजन करते हैं जनवरी में तो आपको ये काम आता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों सूत्रों और अन्य चीजों का नोट जरूर बनाएं। अगला जो आपको काम करना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 1 पढ़े, मान लीजिए मैथ का चैप्टर नंबर 1 आप वास्तविक संख्या पढ़े, तो वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने के बाद से आपको अंशाल उठाना है और लगभग 3 सालों के प्रश्नों से मैच करना है कि भाई कौन सा प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है, उस चैप्टर के प्रश्नों को हल कीजिए। जो प्रश्न आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा अपने टीचर से पूछिए, किसी न किसी से हेल्प लीजिए और उन प्रश्नों को जरूर करिए सॉल्व। ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मात्र 3 साल के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके पहले के जो भी सिलेबस थे अलग थे, ठीक है ना, आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, मात्र 3 साल के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, जो भी चैप्टर पढ़िए वो किसी भी विषय का हो, उस
चैप्टर के जो भी प्रश्न अंशाल में पूछे गए उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको नजर आए जो लगातार पूछे जाते हैं, 2-3 बार लगातार पूछे गए, उन प्रश्नों को क्या कीजिए, इस नोट में आप क्या कीजिए, लिखिए। आपको मैंने बताया है ना कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक नोट बनाना है, तो उसमें आप लोग बनाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा जो आपको काम करना है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखना है। जैसे आप लोग देखिए कि टॉपर जो किया है स्टूडेंट, इसके पहले जो टॉपर रहा है अपना क्या टॉपर का सीक्रेट बता रहा है, कैसे टॉपर बना है, कैसे पढ़ाई करता था। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सिचुएशन को दोष देते हैं कि हमारे घर पंखा नहीं है, हमारे घर लाइट नहीं है, हमारे घर बैठने की कोई सुविधा नहीं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। लेकिन आप लोग जब मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे कि स्टूडेंट जो टॉपर रहे हैं वो कैसे पढ़े हैं, उनका कंडीशन क्या है, तो आपके अंदर भी जुनून आता है, जोश आता है, और आदमी क्या होता है और दिल से मेहनत करता है और जुनून से क्या करता है, मेहनत करता है, और उसको सफलता जरूर मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, दूसरा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिए। हैंड राइटिंग को जरूर अपने सुधार करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों सूत्रों का एक नोट बनाइए, सभी सूत्रों को याद करिए। पिछले 3 सालों के प्रश्नों को आपको हल करना है, कोशिश करना है कि जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न अंशाल में है उनको जरूर सॉल्व कीजिए। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ये लास्ट पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना, तो इस चैनल पे आपको डेली फ्री लाइव क्लास के माध्यम से सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। और ये पहली बार मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने तैयारी कराया था और मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंट का 95% से ऊपर नंबर आया है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में पाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, लाइव क्लास आप नहीं ले पाते हैं, यदि आपके पास कोई समस्या है बोर्ड एग्जाम से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।